नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। करंटली इंडियन मार्केट में 6 सी सेगमेंट सेडान्स सेल पर हैं, जिनमें ह्यूंडई वर्ना, होंडा सिटी, फोक्सवैगन वेंटो, स्कोडा रैपिड, टोयोटा यारिस और मारुति सुजुकी सीआईएस जैसी कारें शामिल हैं। इन 6 सेडान्स में होंडा सिटी और ह्यूंडई वर्ना सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इनको औरों के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी, ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा फीचर लोडेड बनाया गया है। और यही वजह है कि इन गाड़ियों की सेल भी हर महीने अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा होती है। तो आज मैं आपको इन्हीं दो में से एक पॉपुलर सेडान ह्यूंडई वर्ना का एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट दिखाऊंगा, जिसे देखकर आप इस गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा काफी हद तक लगा पाएंगे। एक्सीडेंट पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं सेफ्टी रेटिंग्स की। ह्यूंडई वर्ना का क्रैश टेस्ट अभी तक ग्लोबल एनकैप में नहीं हुआ है। हालांकि सेडान को एशियन एनकैप में टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें इसने 6 एयरबैग्स के साथ 5 स्टार रेटिंग्स स्कोर किए हैं। बात करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। पंजाब से मेरे एक व्यूअर ने मुझे मेल किया है और ह्यूंडई वर्ना के एक्सीडेंट की जानकारी दी है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वो सारे एक्सीडेंट्स भी देख सकते हैं जिनके वीडियोस नहीं पोस्ट हो पाते हैं। ये एक्सीडेंट पंजाब के बरनाला में 16 जनवरी को रात 9 बजे के आसपास हुआ है। सर ने बताया कि ह्यूंडई वर्ना का ड्राइवर काफी तेज रफ्तार में जा रहा था, तभी एक शार्प टर्न पर उसने अपना कंट्रोल खो दिया और सीधा जाकर एक ट्रांसफार्मर के पोल में लड़ गया। ट्रांसफार्मर जनरली 2 पैरेलल पोल्स के सहारे रखे जाते हैं और यहाँ पर भी 2 ही पोल्स थे, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो दोनों पोल को तोड़ते हुए आगे चली गई और इसी वजह से ट्रांसफार्मर उसके छत पर गिर गया। फोटोज में आपको वर्ना का फ्रंट डैमेज साफ दिखाई पड़ रहा होगा। ये पूरा डैमेज पोल से लड़ने की वजह से आया है। हालांकि 2 पोल्स को एक साथ तोड़ने के बाद ये डैमेज बहुत ही कम है। इसके अलावा रूफ को देखा जाए तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं दिखाई पड़ रहा है। इतना बड़ा और भारी ट्रांसफार्मर गिरने के बाद भी ये बस हल्का सा बीच से बेंड हुआ है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि इतने भयानक टक्कर के बाद भी वर्ना के एयरबैग्स नहीं ओपन हुए। अब ये क्यों नहीं ओपन हुए, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी में 4 लोग बैठे थे, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था, लेकिन फॉर्चुनेटली उन चारों ही लोगों को बिल्कुल भी चोट नहीं आई। वो सेफली कार से बाहर आ गए। इस एक्सीडेंट में गाड़ी ने वाकई में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देकर अपने पैसेंजर्स की जान बचाई है। ह्यूंडई वर्ना के सेफ्टी में आपको 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और रियर पार्किंग कैमरा जैसे कई बेहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं। सेडान का एक शोरूम प्राइस 9.11 लाख रुपीस से स्टार्ट होकर 15.20 लाख रुपीस तक जाता है। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।